माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कोई भी रिसर्च पेपर आपको अगर ओपन करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, और उसमें भी कुछ ओपन एक्सेस रिसर्च पेपर होते हैं, कुछ ओपन एक्सेस नहीं होते हैं, उनको आप कैसे खोल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आप इसमें क्रोम में जा करके गूगल स्कॉलर टाइप करेंगे और एंटर करेंगे, तो और आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे। जब आप गूगल स्कॉलर में जाएंगे, जब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, तो आप इसमें जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है, मान लीजिए आपको कार्बन नैनोट्यूब सर्च करना है, ये कुछ इसके टॉपिक्स आ जाते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये टॉपिक्स दिखाता है। जब आप अपना रिसर्च पेपर आप लिखते हैं तो उसमें आप कुछ कीवर्ड्स डालते हैं, वो कीवर्ड्स जैसे आप कई जगह हैशटैग यूज़ करते हैं, तो वो हैशटैग की ही तरीके जब भी आप कुछ डालते हैं तो उन हैशटैग्स से ही वो पिकअप करता है। इसी तरीके से आप जब इसमें कोई भी रिसर्च पेपर डालते हैं तो वो इन ये जो भी कुछ भी सर्च करते हैं तो उसके जो रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं वो इसमें शो करने लगता है। तो उसके जो भी रिलेवेंट आपको लगता है आप उसमें जा सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें जाती हूँ, कार्बन नैनोट्यूब्स कंपोजिट्स, तो ये हमारे ये जितने भी इसमें आपको दिख रहे हैं ये पूरे रिसर्च पेपर्स इसमें आते हैं, जो भी हाई रेटेड होते हैं या फिर जिनके ज़्यादा साइटेशन होते हैं उसके बेसिस पे ये शॉर्ट करता है। जैसे कि ये रिसर्च पेपर है, ये बहुत ही ओल्ड है, ये वाला 2005 का है, बट इसके साइटेशन आप देखेंगे तो 619 है, फिर इस तरीके से 473। तो साइटेशन क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी जस्ट आप ये देख लीजिए कि इस तरीके से इनकी 992 है। तो जो ज़्यादा रिव्यू करे जाते हैं, जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है, वो फर्स्ट पेज में आते हैं, फिर जो थोड़े से लो डिमांड में रहते हैं वो सेकंड पेज में आते हैं। इस तरीके से आपको भी पता है कि थर्ड फोर्थ फाइव पेज में वो आते हैं जो अभी लेटेस्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे आप साइटेशन देखेंगे तो बहुत है, साइटेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगी, बट इस पे डिपेंड नहीं करता है, रिसेंटली कौन ज़्यादा रिसर्च पेपर्स व्यू किए जाते हैं तो उनके बेसिस पे वो शॉर्ट करता है गूगल। अब यहाँ पर आप जैसे आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपको जो भी आपका टॉपिक है वो कितना पॉपुलर है। अगर उसके बारे में बहुत रिसर्च हो चुकी है तो आपको करंट पेपर्स ही देखने चाहिए, जो आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, लिटरेचर उसमें जो आप डालेंगे इंक्लूड करेंगे उसका बैकग्राउंड, तो उसमें आपको मे बी एक दो साल का ही इनफ होगा अगर उसमें काफ़ी रिसर्च हुई है। और उसी बेसिस पे वो डिपेंड करता है कि मान लीजिए मीडियम रिसर्च हुई है, उस बेसिस पे आप उसको देखेंगे कि आप किस तरीके से उसमें कितने ईयर्स के पेपर में मतलब आपको ठीक ठाक कंटेंट मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे या तो आप सिर्फ 2020 के पेपर्स निकाल लीजिए या 2019 से जो भी पेपर्स हैं, मतलब ये बहुत पुराने दिखा रहे हैं ना, आप देख सकते हैं 2001 2009, तो ये 2019 से 2020 तक इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्च होगी वो इसमें दिखा देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें कस्टम रेंज भी डाल सकते हैं, मान लीजिए आपको देखना है 2015 से, 5 ईयर्स रिसर्च पेपर्स आपको देखने हैं और उसमें आप देखेंगे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या रिसर्च हुई है, तो वो आप यहाँ पे डाल के इस तरीके से सर्च करेंगे। जब आप इसको सर्च करेंगे तो ये जितना भी उससे रिलेटेड इसमें रिसर्च पेपर होगा वो इसमें आपको दिख जाएगा। और इसमें आप लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे तो आप डेट से भी शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें रिलेवेंस से डेट से पेटेंट इंक्लूडेड रहेगा, साइटेशन भी आपको देखना है या नहीं देखना है। आप इसमें अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई रिसर्च पेपर आपको लग रहा है कि हाँ ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे उससे रिलेवेंट है, तो आप उससे रिलेटेड इसमें वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए 2015 से 2020 डाला, तो 2015 से लेकर के 20 तक इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्च हुई है वो आपको इसमें दिख जाएगी, 2018 2019 इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे आप रिलेवेंस के अकॉर्डिंग भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, जो आपका टॉपिक है
एग्जैक्ट उसको वो कॉपी करेगा और उससे रिलेटेड जो भी होगा उसको हाईलाइट कर देगा कि देखिए कार्बन नैनो ट्यूब्स सबको हाईलाइट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग इसने टॉपिक सर्च किया है। ठीक है, फिर आप डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट बाय डेट, तो अभी लेटेस्ट से ओल्ड में जाएगा, 2015 से 20 डाला था तो 2020 से लेकर के 15 में ये हमें ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर आप इसमें अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं ये कि आपको किस ईमेल आईडी में कितने रिजल्ट चाहिए और क्या टॉपिक है आपका उसके क्रिएट कर देंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट रिसर्च होती रहेगी वो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इस गूगल स्कॉलर का इंट्रो, ये बेस्ट होता है, आपको अगर कुछ भी सर्च करना है तो आपको इसमें ही देखना चाहिए। अब हम मान लीजिए कोई पेपर ओपन करते हैं, जैसे ये पेपर है, इसको हमने ओपन किया न्यू टैब में, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब हम अगर इसमें देखें तो इसमें क्या दिखाता है कि हमारा क्या टॉपिक है, हाइलाइट्स, एब्स्ट्रैक्ट, ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड्स। ये जो कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रही थी इसके बेसिस पे ही ये जो कीवर्ड्स हैं इसके बेसिस पे ही ये शॉर्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें कि ये इसमें कोई भी डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, या तो आप एक्सेस लीजिए, अगर आप एक्सेस पे क्लिक करेंगे, अगर आप एक्सेस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो मैं अगर आप इसमें ठीक है, शेयर करने का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, बट इसको डाउनलोड करने का कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। और अगर आप एक्सेस पे क्लिक कर देते हैं तो इसमें आपको ये बोलेगा कि आपको अगर आप इंस्टीट्यूशन लॉगिन है तो वो करिए, या तो आपको परचेज करना पड़ेगा, या तो आपको अपने कॉलेज का ईमेल डालना पड़ेगा, तो तभी आपको इसकी एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज़ ये ओपन एक्सेस टॉपिक नहीं है। तो इस केस में आप पूरे रिसर्च पेपर को कैसे डाउनलोड करें, कंटेंट इसमें देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये कंटेंट है, इंट्रोडक्शन है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, रिजल्ट है, कॉन्क्लूजन है, अपेंडिक्स है, बट आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही दिख पाएगा। उसके बेसिस पे फर्स्ट आप शॉर्ट करने के लिए आपके लिए इतना हेल्पफुल है कि इतना ये जो इसका एब्स्ट्रैक्ट है आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उस पूरे पेपर का एक आइडिया लग जाएगा कि ये पेपर क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या रिजल्ट इनको मिला है, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको ये पेपर डाउनलोड करना है, आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये लिंक फॉलो करना पड़ेगा, SCI हब। SCI हब ये आपको डाल करके सर्च करना पड़ेगा, SCIHub.tw। ये इसमें कोई भी रिसर्च पेपर अनलॉक हो जाता है मेनली, मतलब अगर आपको कोई भी रिसर्च पेपर है जिसका आपको ये नहीं पता है कि ओपन एक्सेस कहाँ से मिलेगा, उससे ज़्यादातर रिसर्च पेपर ओपन एक्सेस नहीं होते हैं, तो उनको आप एक दूसरा रिसर्च पेपर भी ओपन किया था, ये है उसका लिंक, तो मैंने यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दिया तो ये रिसर्च पेपर ओपन हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं रिसर्च पेपर ओपन हो गया, ये कंप्लीट पेपर है। अब यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करेंगे तो ये एज ए PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर डाउनलोड पर क्लिक करा तो ये इसको डाउनलोड कर देगा, आपको उसको सेव एज करना पड़ेगा और ये इसको डाउनलोड कर देगा। मुझे डाउनलोड नहीं करना है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेपर को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप उसके लिंक को कॉपी ना करके अगर आप उस पेपर के DOI नंबर जो रहता है, ये जो है ये DOI.org के आगे ही लिखा रहता है, तो आप इस पूरे लिंक को कॉपी कर लीजिए, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर जा कर के इसमें पेस्ट कर दीजिए और ओपन कर दीजिए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो भी हमारा वही सेम पेपर उसी तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं, फिट टू पेज कर सकते हैं, आपको रीड करना है बड़ा कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये SCI हब, इसको मैंने बुक मार्क बना के रखा है क्योंकि जनरली मुझे कई बार पेपर पढ़ने पड़ते हैं तो उसके लिए मेरे लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है।
तो इसलिए मैं तुरंत के लिए मैंने इस लिंक को कर रखा है। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और मैं आपको गूगल स्कॉलर का भी लिंक दे दूँगी, तो आप उससे उसको बुकमार्क बना करके डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू whenever you will be going to write your research paper, whenever you will be going to work on some thesis of your BTech or MTech project. So for literature review and for performing the good study, good research on some topic, you will definitely need these things. So please use it and refer it. And if you like my video, please like, share and subscribe to my channel. I will be sharing more videos related to research topic and how to publish research paper in coming days. So please stay tuned with me and bye-bye, take care.